करेंगे पले पले साथ साथ। आजा सन बेबी। निकी तुम पूरे 10 महीने की हो गई हो और पहले से 10 गुना क्यूट हो गई हो। बिल्कुल मेरे जैसे। मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहन जॉली और मैं ये वीडियो डायरी बना रही हूँ ताकि बड़ी होके तुम्हें पता चले कि तुम कैसे अजीब मेरा मतलब कितने अच्छे परिवार में पली बड़ी हो। क्योंकि अगर तुम्हें उनके साथ रहना है तो अभी से झेलना पड़ेगा। निकी, निकी ने खाना खा लिया, बहुत अच्छे से खाया। अभी निकी 7 सब्जियों का सूप पिएगी जो सेहत के लिए अच्छा होता है। टेस्टी टेस्टी यामी यामी। जो आज का होमवर्क फिर से आखिरी समय पे कर रहा है। डॉली कभी तो सही बोला करो, ये आज का होमवर्क नहीं पिछले हफ्ते का है। निकी मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन तुम दोनों एक ही क्लास में होंगे। और ये है हमारे पापा जो बिजली का काम करते हैं। ओफो डॉली तुम्हें कितनी बार समझाया, बिजली का काम नहीं बेटा, बिजली का आर्टिस्ट बोलो जो लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। ऐसे अभी ठीक हो जाएगा। तने की ये था हमारा पूरा परिवार। तुम शायद किसी को भूल रही हो। सनी मेरे भाई, मैं तुझे भूल ही नहीं, मैंने तो तुझे बस आखिर के लिए रखा था। तू निकी से कुछ कहना चाहता है? तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। निकी वो तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताता तो इसलिए, और वो क्या है ना, तुम उसके लिए सरप्राइज की तरह हो। मुझे तो लगता था कि सरप्राइज बहुत अच्छे होते हैं। कट। आप कुछ बोलो। है जी। रॉन्ग नंबर बेटा। यो, पहले भी तो तीनों बच्चों को मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा पापा मेरा जन्मदिन कब है? 13 सितंबर। 24 मार्च। हाँ तो ठीक है ना, आसपास ही था। डॉली तुम्हारा टीवी खराब है क्या? ये टीवी है नहीं, था। अब तक तो मैं इसमें एक माइक्रोवेव ओवन फिट कर चुका हूँ और बहुत जल्द मैं इसमें एक कॉफी मेकर भी ऐड करने वाला हूँ। इसके बाद ये कैसी मशीन बन जाएगी जिससे आप कुछ भी काम कर सकें। मैं एक बिजली का आर्टिस्ट हूँ, कलाकार, और ये मेरी कला का एक छोटा सा नमूना है। कला का नमूना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही उम्र में काम पे लग गया था। मैं एक सेल्फ मेड, सेल्फ स्टार्टर आदमी। तुमने केबल टीवी में वो ऐड नहीं देखा? जिसमें बल्ब नाचता है, सूट पैंट पहन कर। जी हाँ बैनर भाइयों, बिजली का नया अवतार, पूरा भरोसेदार अवतार बिजली कंपनी, यानी ABC। ओ तो वो अवतार बिजली आप ही हैं। म्यूजिक सुनाई देने लगता है। ये तो रोहन की आवाज है, इसका कॉलेज का बैंड है, बहुत ही बुरा गाता है। यहाँ कहीं आसपास रहता है क्या? आसपास नहीं, इसी घर में रहता है। रोहन मेरा बड़ा भाई है। ओ तेरे की, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। नहीं, गलती तुमसे नहीं, गलती तो मेरे मम्मी पापा से हुई है। तुम यहाँ बायोलॉजी पढ़ो, मैं उस रोहन को देख के आती हूँ। रोहन, 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 रोहन। हाय डॉली, कैसी हो? रोहन हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज कम करो। नहीं, मेरी म्यूजिक की आवाज कभी कम नहीं हो सकती। क्यों, कुछ देर के लिए अपने बैंड बाजा बंद कर दो ना। हाँ रोहन, डॉली ठीक कह रही है, चल ब्रेक लेते हैं। नहीं, जो आवाज दिल से निकलती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ड्रम्स बजा, बढ़ाया ब्रेक का चाचा। अगर ये आवाज दोबारा आई तो तुम्हारे गिटार को खींच खींच के सितार बना दूंगी, समझे? बेटा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम जरा निकी को संभालो। मम्मी को कोई नहीं बताएगा। तू बिल्कुल ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है पापा, बस 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जल्दी कर बेटा, मुझे तो लगता है कि मेरी कमर ही टूट गई है।
कमाल हो गया पापा, यही गाना मैंने और पोपी ने बस पिछले हफ्ते ही लिखा था। कमर टूट गई दुश्मन की, अब नहीं जरूरत टेंशन की। ये कैसा लगा पापा? पता नहीं, तू गाड़ी चला। कमर टूट गई दुश्मन की, अब नहीं जरूरत टेंशन की। डिस्को बंद कर गाना। तो वैसे भी इतना टेंशन, ये पापा गाना बिल्कुल हिट है। तो मुझे क्यों हिट कर रहा है नालायक? सॉरी पापा। थोड़ा दबा तू। सब ठीक हो जाएगा डैड, टेंशन क्यों लेते हो? तुम जैसी औलाद पैदा हो गई, अब क्या ठीक होगा? अच्छा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी मम्मी यहीं कहीं आसपास होगी, पकड़े मत जाना। कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम दिखाई ना दो। कम ऑन डैड, देखो इस चेहरे को, देख लो। ऐसा चेहरा छुपाया जा सकता है? नहीं। हाँ दफा हो जाओ, चेहरा छुपाओ, दफा हो जाओ। मैंने गिने को कहा था वो, अगर मैं इस कोर्ट को पहनूंगा तो दिखूंगा नहीं। स्मार्ट बॉय रोहन, स्मार्ट बॉय। डॉक्टर हो? डॉक्टर? ओ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर आशा उन्नीकृष्णन MBBS। साउथ इंडियन? ओ हाँ साउथ इंडिया से हूँ, लेकिन अब नॉर्थ से हूँ। शक्ल से तो बहुत छोटा दिखता हो, एग्जाम में चीटिंग की? ओ हाँ, मेरी बीवी वही कहती है। ओ वैसे क्या प्रॉब्लम है? दिखा नहीं बेटा क्या? अरे वैसे ना बॉटल का ढक्कन फंस गया है। कैसे ढक्कन हो तुम? मेरा मतलब है ये कैसे हुआ? अरे आवर ने बॉटल ओपनर तोड़ दिया और मेरे पापा ने अपनी कमर तोड़ दी। ये पापा भी ना, वैसे मेरा मतलब है तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ करना पड़ेगा। करना क्या? इस बॉटल के ढक्कन को निकालो मेरे मुंह से। अच्छा वैसे तुम कौन सा बॉटल खोल रहे थे? ओ डॉली, आज ही आपकी बिल्ली हमारे घर में नहीं है। ओ नहीं नहीं, मेरी बिल्ली तो मेरे घर में ही है डॉली, पर तुम्हारे घर का एक इतना मोटा चूहा और मेरे फ्रिज में से चुरा चुरा के मठियाइयां खा रहा है। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज दैट चूहा। सनी, आई एम सॉरी रोली आंटी, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन आपने इसे अंदर घुसने ही क्यों दिया? और नहीं नहीं डॉली, मैंने कब घुसने दिया इसको अंदर? वो तो खिड़की के रास्ते चोरों की तरह खुद घुस के चला आया ये बंदर। सनी तुम्हें रोली आंटी से कुछ कहना है? हाँ रोली आंटी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। बोल बोल। कल आप कौन सी मिठाई बना रहे हो? कल कल मैं अपनी रसोई की खिड़की में लगाऊंगी इतना मोटा कुंडा, ताकि फिर से मेरी खिड़की से कूद कर ना आ जाए मेरे घर में तेरे जैसा कुंडा। डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा खुजा दो। डॉक्टर साहब थोड़ा खुजली। डॉक्टर रोहन। हाय माँ, आप यहाँ पे? ये सब कैसे हुआ? हाय हिमानी, मरवा दिया नरवन। मुझे सच सच बताना। डैड फिसल के गिर पड़े और उनकी कमर टूट गई। हाय रब्बा, हाय। हाँ लेकिन जब आप गिरे आपके हाथ में निकी तो नहीं थी ना? हाँ थी, लेकिन उसके बाद नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर से थी, मतलब मैंने उसे गिरने से बचा लिया। आपने मुझे वादा किया था कि आप इसको नहीं गिराएंगे। कम ऑन हिमानी, छोटा सा हादसा था। जानते हो जैसा कैच मैंने लिया ना वैसा धोनी भी नहीं ले सकता। बोल ना रोहन, मेरी गलती है। देखो तुम बहुत ही काबिल और अच्छी माँ हो, मैं ही एक बेवकूफ बाप हूँ। वो तो मैं जानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। वैसे दुखी लोगों की मदद करने से पुण्य मिलता है। आपको पता है जब मैं मेडिकल कॉलेज में था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सेकंड और मदद करने में फर्स्ट। वैसे मेरा दिल बहुत बड़ा है और मुझे लोग बहुत पसंद है। हाँ